सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीएससी एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्टेनो और सीजीएल के लिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है। सो यहां से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों सिर्फ तैयारी ही एक ऐसा यंत्र है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अब यहां से आप लोग कितना सचेत हैं, कितना सावधान हैं अपनी तैयारी के प्रति, ये डिपेंड करता है आप पर। दोस्तों क्लोज टेस्ट एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एमटीएस एग्ज़ाम की, तो ये आपको 5 मार्क्स देता है। स्टेनो में 10 मार्क्स का, और सीजीएल में अगर बात करूँ तो बच्चों प्री में 5 मार्क्स का, और मेंस की तो पूछो मत। स्टेनो में बच्चों 10 मार्क्स का नहीं, मैं भी चाहूँगा 15 to 20 मार्क्स का, 15 से 20 नंबर का कम से कम, कभी 15 कभी 20। और सीजन में 5 नंबर प्री में, और मेंस में इसके 20, 25, 30 कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो इस पर कमांड आपको बनानी होगी बहुत स्पेशल वाली, आज उसी के ऊपर हम लोग क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए। और चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी इस तरह की वीडियोज़ घर बैठे मिलती रहे। मैं आपको लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूँगा आपके एग्ज़ाम तक, तो आप लोग जुड़े रहिएगा इसी तरह से और अपना प्यार देते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को बच्चों अपनी। मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ डैश आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डैश सिमिलेंसली। इट इज अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल डैश ऑन टूडेज वर्ल्ड। द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट डैश द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर टू डैश द रिसिपिएंट थिंकिंग डैश स्टिल इमोशंस टू डैश। बच्चों सबसे पहले आप लोग क्लोज टेस्ट को क्या करेंगे, रीड आउट कर लेंगे पूरे का पूरा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्लोज टेस्ट हमारा किस बेस पर जा रहा है, यानी कि कहानी का बेस क्या है, कहानी का सार क्या है, उस पर कहाँ जा रहा है क्लोज टेस्ट। यस, तीसरी बात बच्चों आपको पता चल जाएगा कहानी का टेंस क्या चल रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, बेस और टेंस, आप लोग एग्जाम में क्लोज टेस्ट बहुत ईजिली कर लेंगे। अब यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट की, तो ये मास कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि ये जो मीडिया वगैरह रहता है उसके ऊपर बात हो रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जो आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, या फिर डिजिटल मीडिया जैसे कि आप टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखते हैं। और स्टोरी मोस्टली आपको चल रही है प्रेजेंट में, जहाँ पर मुझे इस दिखाई दे रहा है, ये इस दिखाई दे रहा है ये दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा सा काम आसान होगा आपके लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मास कम्युनिकेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ डैश आइडियाज, इज़ द डिलीवरी ऑफ डैश आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डैश। मास कम्युनिकेशंस जो है करता है काम, डिलीवरी करता है डैश आइडियाज़ की, आइटम्स की, एडवर्टीजमेंट की। बच्चों केवल एडवर्टीजमेंट के लिए आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, टीवी देखते हैं तो बीच में एडवर्टीजमेंट आता है। यस, एडवर्टीजमेंट उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये नहीं कि केवल एडवर्टीजमेंट ही आएगा टीवी पर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यस, तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट भी आपका नहीं आएगा कम से कम। कार्टून्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर कार्टून्स की बात नहीं है बच्चों, केवल मास कम्युनिकेशन पर आप लोग कार्टून नहीं देख रहे हैं बैठ करके। तो यहाँ दोस्तों आपका जो फ्री के नंबर आ जाएंगे वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट, डी भी आपका करेक्ट नहीं रहेगा। तो आंसर बी आपका हो जाएगा, न्यूज़ करेक्ट, कोई और ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है किसी प्रकार से, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल बी। मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज़ आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट, ये तीन टॉपिक इस तरह से देंगे, न्यूज़ आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डैश, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डैश, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल, पिक्चर, एडवर्टीजमेंट या आइटम्स, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि लोगों तक, ना केवल पिक्चर तक, एडवर्टीजमेंट तक या आइटम तक, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस बात को लेकर के अपनी। इट इज़ अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल डैश, विद इनकैलकुलेबल डैश, इनकैलकुलेबल वर्थ, इम्पैक्ट, फोर्स या वैल्यू। बच्चों देखिए फोर्स तो यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज फोर्स का जिक्र पीछे हो चुका है। दूसरी बात बच्चों आगे यहाँ पर ओन आ रहा है। देखिए क्लोज टेस्ट जब हम लोग कर रहे हों तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, उस फिलिंदा ब्लैंक्स से पहले वाला वर्ड और बाद वाला वर्ड बहुत मायने रखता है, पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। अगर मुझे यहाँ पर प्रपोजिशन लगानी होती तो मैं यहाँ पर टू लगाता, अगर यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स में दे देती तो टू लगाता, क्योंकि एबल आ रहा है।
तो बच्चों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फोर्स आ गया है, पहले तो फोर्स नहीं आएगा, अगर फोर्स आता भी तो आगे विद होना चाहिए था, बिकॉज फोर्स का विद लगा रहा है, तो ये तो कम से कम नहीं आएगा। यस, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आगे ओन आ रहा है, और पता है बच्चों आपको ओन किसके साथ आया करता है, ओन आपका आया करता है इम्पैक्ट के साथ में, इम्पैक्ट ओन, किसी चीज़ पर प्रभाव डालना। तो यहाँ ये आपका फ्री का नंबर कहूँगा मैं। देखिए मैंने कहा हमेशा कि क्लोर टेस्ट को इस तरह से किया जाए तो आपके लिए भी कुछ फ्री के मार्क्स है क्लोर टेस्ट में, अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं बस सोचते हैं कि बस करा जाए इसको, न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर देंगे, बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं पूछते हैं सर न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दें क्या, बिल्कुल कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, इससे अच्छा तो फिर आप क्लोर टेस्ट ही रीड करना शुरू कर दो, रीडिंग कंप्रिहेंशन ही रीड करना शुरू कर दो, कुछ अपना ही काम निपटेगा अगर रिविजन करना ही है तो। इस तरह से बच्चों, चलिए बच्चों चलते हैं आगे को हम लोग। द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट द डायनेमिज फोर्स सक्सेस पावर। बच्चों यहाँ पर भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये आगे आने वाला प्रपोजिशन ऑफ, ऑफ आ रहा है आगे, इस ऑफ से बहुत सारे काम सुधरेंगे बच्चों। इसका सबसे बड़ा रोल देखिएगा द डायनेमिज्म ऑफ, जी नहीं, द फोर्स ऑफ, बिल्कुल नहीं, द सक्सेस ऑफ, बिल्कुल, द पावर ऑफ, बिल्कुल नहीं। तो गैस यहाँ पे द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट डैश द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेटर टू। अब बच्चों यहाँ पर भी देखो फिफ्थ में भी अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे प्रपोजिशन भरना हो तो यहाँ पे रेस्ट ऑन आ सकता है, हालांकि देखिए अभी ऑप्शन हमारे पास नहीं है देखा जाए तो, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि अगर प्रपोजिशन दी जाएगी यहाँ पर रेस्ट ऑन आपका आ सकता है, ऑन अपॉन या फिर इसी तरह का कोई भी वर्ड, लेकिन बाकी अभी डिपेंड करता है आगे क्या चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा सक्सेस, द सक्सेस जो सफलता है मास कम्युनिकेशन की डैश करती है, तो बच्चों यहाँ पे द सक्सेस यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। और बच्चों मैं आपको बता दूं जो बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी नए नए जुड़े हैं तो टारगेट बैच हमने शुरू कर दिया है स्टर्नो के लिए और सीजल के लिए, आप जुड़ना चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट टारगेट बैच है जिसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, अभी भी मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कंप्लीट आपका ग्रामर रहता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रहती है, 5 बुक्स है और कंप्लीट इसके अंदर किरण रहती है, 16,000 PDF नोट्स इसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, बहुत कुछ हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं इसी अंदाज में, आपको क्लोर टेस्ट पैसेज PQRS एक्टिव पैसेज बहुत सारे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। तो जिसको भी जॉइन करना हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले सकता है और हमें मैसेज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ में देखिएगा मैंने कहा था यहाँ तो यहाँ पर ओन आ जाएगा या फिर अपोन आ जाएगा, ओन ऑप्शन में है नहीं, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपोन, तो यहाँ पर ये फ्री के मार्क्स है, रेस्ट अपोन निर्भर होना किसी चीज़ पर, द स्किल ऑफ द कम्युनिकेटर टू। आगे देखते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन में, बच्चों यहाँ पर टू आपको दे दिया गया है पहले से ही और टू के बाद आपको लगाना है, बच्चों आपको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, टू स्टिमुलेट टू एगिटेट टू अंडरस्टैंड टू मिनिमाइज, हमें यह देखना है बच्चों, टू स्टिमुलेट द डिसिप्लिनड थिंकिंग, थिंकिंग कोर्स की स्टिमुलेट करना, एगिटेट मतलब भड़काना, अंडरस्टैंड समझाना, मिनिमाइज छोटा करना, बिल्कुल नहीं बच्चों। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट, यहाँ पर टू की वजह से आपका ये आंसर बन रहा है और मीनिंग को लेकर के ये आपका वोकेबलरी बेस्ड है, अगर देखा जाए तो यहाँ ग्रामर का कोई रोल नहीं था, एक दो क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा बीच में जो वोकेबलरी बेस्ड रहेगा और बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी का विषय बन जाएगा। थिंकिंग डैश स्टील इमोशंस फॉर टू विद फ्रॉम, टू स्टिमुलेट द रिसिपिएंट थिंकिंग, यहां पे खत्म होगी बात। अब यहां पर हमें देखना है कि क्या लगाना है, डैश इमोशंस जो आगे वाले वर्ड के साथ में मैचिंग बना ले अपनी बच्चों। तो फिर यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां अच्छा होगा कि आप लोग यहां पर जैसे कि उसने लगाया टू स्टिमुलेट द रिसिपिएंट थिंकिंग, टू स्टिर इमोशंस, टू डैश हिम और टू डैश, बच्चों आप देख रहे हैं कि सब जगह टू 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 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप लोग टू का इस्तेमाल कर दीजिएगा क्योंकि ये सेंटेंस पूरे एक साथ चल रहे हैं आपके, ये टू के साथ चला, ये भी टू के साथ चलेगा, ये भी टू के साथ चलेगा और ये भी टू के साथ चलेगा, तो ये आपका बिल्कुल फ्री का नंबर हो गया, आपको यहाँ पर बी में बी ऑप्शन लगा देना है, टू स्टिर इमोशन, टू अनक्रेज हिम
और टू डैश कम्युनिकेशन, टू परसुएड हिम, टू डिस्करेज हिम, टू एंडेंजर हिम, टू अनकरेज हिम यानी कि प्रोत्साहित करना, और हर टू डैश मास कम्युनिकेशन, प्रोत्साहित करना किसी को, मतलब यहाँ पर हिम और हर का लगे किसी लड़के को या किसी लड़की को, टू डैश मास कम्युनिकेशन, टू डायरेक्शन मास कम्युनिकेशन, टू फंक्शन मास कम्युनिकेशन, टू एक्शन टू मिशन, तो बच्चों टू एक्शन मास कम्युनिकेशन, टू एक्शन, बस यहीं तक ही बात खत्म हो गई यहाँ पर, टू एक्शन, क्योंकि टू एक्शन मास कम्युनिकेशन यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं पड़ रहा है, फिर आगे जाके समस्या हो जाएगी, बस टू एक्शन मतलब कोई क्रियाकलाप करने के लिए। अभी नया सेंटेंस शुरू हो रहा है आपका, मास कम्युनिकेशन इज द वन टू वन इम्पैक्ट ऑफ वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन डैश, अपॉन अनदर, अपॉन पीपल, अपॉन मैन, अपॉन वुमन। बच्चों यहाँ पर अगर मैं मैन और वुमन लगाऊंगा तो किसी पर्टिकुलर समाज के व्यक्ति की बात हो जाएगी, तो ये तो आपके दोनों वर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पर या तो मैं पीपल लगा सकता हूँ या फिर मैं लगा सकता हूँ अनदर। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, अपॉन मास कम्युनिकेशन इज द वन टू वन इम्पैक्ट ऑफ वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अनदर। बच्चों ये आप वन देख रहे हैं ना, इस वन की वजह से नजर आ रहा है, कहते हैं ना कि एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, ये वो वाली थिंकिंग के साथ चल रहा है, तो यहाँ पर अनदर ही बेस्ट रहेगा, यहाँ पर पीपल नहीं आएगा। मैंने कहा कि क्लोज टेस्ट जरूरी है कि आप लोग पीछे का विषय देखते चले और आगे का भी, सो वन आफ्टर अनदर ये वो वाला फॉर्मूला इसने लगाया है यहाँ पर, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसी तरह की और क्लोज टेस्ट की वीडियो देखने के लिए आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या स्पेशल क्लोज टेस्ट बैच भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लगभग 127 क्लोज टेस्ट वीडियो, 1400 क्वेश्चन, 250 क्लोज टेस्ट, ये सब प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में। ओके दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।